माथि देखि मलाई लागेको तपाईलाई छुदा देयर इज द रिवर इफ आई फॉल नो व्लॉग्स व्हाट द हेल हैपेंड टू दिस। आज का जो राइड है ना, ये मैंने शायद कल रात का 10 बजे डिसाइड किया था, क्योंकि सिलीगुड़ी में शायद फिर लॉकडाउन होने वाला है और फिर मेरे को लग रहा है कि मैं उतना घूमने के लिए चांसेस तो पाऊंगा नहीं, तो क्यों ना आज ही निकलते, बस एक ब्लॉग तो बन ही जाएगा। तो प्लेसेस डिसाइडेड नहीं है, कहाँ जाना मेरे को पता नहीं है, बस यही पता है कि मेरे को कैलिंगपोंग जाना है और मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके लोकल्स को पूछता हूँ कि अच्छी व्यू पॉइंट कहाँ है, सबसे बेस्ट वाली। लास्ट टाइम मैं गया था डबलिंग व्यू पॉइंट, वो छोड़ के देखते हैं कहाँ सबसे अच्छी है। और बस अब गाइस, मंजू वेलकम टू माय चैनल, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो द टाइम इज 7:10, द टाइम इज 7:10 एंड यू कैन सी द वेदर, इट्स फॉगी कम्प्लीटली, विजिबिलिटी इज लो, बट स्टिल आई कैन मैनेज टू राइड। आई जस्ट होप ऐसा वेदर ना हो कैलिंगपोंग में। तो फट से चलते, आई सी यू गाइस ऑन द राइड। लग रहा है ना मेरे को, एक ग्लास पानी भी नहीं पिया मैंने आज सुबह, इतना अनप्लान्ड था ये ट्रिप, ना मेरे जैकेट ग्लव्स ये कुछ भी जगह में नहीं थी, सब सुबह उठ के ढूंढना पड़ा मेरे को। अरे यार, आज बहुत ही ज्यादा फॉग है, मतलब पूरा सिलीगुड़ी में भी वैसा ही था, सेम। आई वांट टू रीच सेबोक एंड द फॉग इज स्टिल द सेम। आई जस्ट डोंट वांट दिस टू बी द सेम एट कैलिंगपोंग। अरे भाई, ये क्या हो गया, कोई है क्या अंदर? कोई तो नहीं है। Look how did this happen? He was riding on this side or what? It probably happened in the morning. Koi? Chai na manche ta. Kada gayo manche? त्यही त यतिकै छोडेर गएको अक्रज, त्यही त ए माथिदेखि मलाई लागेको तपाईँलाई छुदा तार पोस्टमा लागेर तपाईँले खुट्टा छुँदा त मलाई लाग्यो नि मान्छे छैन, कोही छैन। I'm gonna have to park my bike a little far away. I think I'm gonna have to call a police and there's no network. 100
Nah, there's no network. I'll call the police when I get a little bit of a service. जहाँ नेटवर्क मिलेगा वहीं रुक के पुलिस को फोन लगा देता हूँ, बिकॉज द कार इज एक्चुअली गोइंग टू बर्न ओवर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोस्ट. ओके, द फॉग इज़न्ट देयर एनीमोर और धूप निकल चुका है. The time is 8:18. सबसे पहले तो मेरे को पुलिस ढूंढना है, क्योंकि वो कार शायद आग लग जाएगी अगर जल्दी नहीं किया तो. यार चलाते हैं यार ये लोग, इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं. देख कैसे ओवरटेक करते हैं, वो कार भी ओवरटेक करने की वजह से ही वहाँ टकराया है एकदम 100%, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से मतलब उस तरफ से आके इस तरफ टकराया है, तो रीजन तो वही है 100%. नमस्कार. हाँ भैया, ये कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये सिलीगुड़ी पुलिस इमरजेंसी अलर्ट है. क्या बोलता है, ये जो सेवोक का ये जंगल है ना बीच में, जी जी, वहाँ एक एस क्रॉस ये इलेक्ट्रिक पोल से टकराया है. ठीक है, कौन टकराया? एस क्रॉस कार है, कार. ठीक है, कार वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी में ना वो इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रिक मार रहा है और गाड़ी से धुआं निकल रहा है. कहाँ पर बोलिए तो? ये सेवक का ये जंगल है ना. सेवक का जंगल? हाँ, इलेक्ट्रिक पोल मर चुका. तो आप लोग बोलता है, आप लोग कुछ हेल्प करने से कर दीजिए ना. मैं तो निकल गया, मैं तो बाइक में हूँ इसलिए. मेरा मंजिल ये तो सिलीगुड़ी में लग गया. ठीक है, हम लोग सेवोक पीपी बोल. हाँ, नहीं नहीं, मैं 100 को कॉल किया ना, तो आप लोग को लग गया शायद, तो कर दीजिए ना आप कुछ, क्योंकि वो गाड़ी खत्म होने वाला है. टट 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 टट, लेट्स गो. कुछ खाया भी नहीं है भाई. आई थिंक शी वांट्स टू ईट समथिंग. आई हैव Tequila, actually. I took from a shop. I bought like 4. I'll give her 3. Let's see. If she wants it, I'll give it. I think she might want it. Lidhi. तपाईँहरू कहाँदेखि? के भन्छ, कालिम्पोङमा अलिक राम्रो जग्गा घुम्ने कता छ होला, मतलब भ्यू पोइन्टहरू? कालिम्पोङ मेन टाउनभित्र भयो, तपाईँको दुर्पिन डाँडा भयो, डेलो भयो, तिनीहरू त गएको छु कि म, अनि अरू डाब्लिङ, दुर्पिन डाँडा, डेलो चाहिँ गएँ म. एकपल्ट उकालो ट्राई मार्नुहोस् न, बिरिक डाँडा उकालो गएर माथि यो तपाईँको आल डाँडा भन्ने सिटोङ, सिटोङ आल डाँडा, जोगीघाट तपाईँको, त्यहाँ माथि अलिकति टी गार्डन पनि छ, त्यहाँ ओरेन्ज गार्डनहरू छ, आल डाँडा त्यहाँ 360. यहाँबाट कति तपाईँको? 8.5 र उता 3, 11, 11.5 किलोमिटर माथि त हो. के जग्गा अरे? सिटोङ भन्छ नि, सिटोङ भन्ने हिल स्टेसन त्यही भन्नु पर्यो. ल दादा, थ्याङ्क यू. So I think I am going to Al Dada, because this is what I decided. I'll be listening to the locals, and look at the view on my right. I want to stop, but then you guys have already seen the view, so
लेट्स गो. सो इफ यू आर इन अ नेशनल हाईवे, ऑन अ नेशनल हाईवे, यू जस्ट यू कैन फाइंड दीज फ्लावर शॉप. यू जस्ट नीड टू टेक द लेफ्ट टर्न. There's only one left turn, so it's pretty easy. But it's in the middle of the jungle, alright? Man, I like these kind of roads actually, the turnings. But it's a little risky, but I like it. Look how the vehicle comes. भाई ब्रेक नहीं है ना तो शायद ये रास्ता में आने का सोचना भी मत. ब्रेक अच्छा नहीं है तो जाने का टाइम तो कुछ टेंशन नहीं होगा, लेकिन भाई नीचे जब जाओगे ना सोचना भी मत. मैन आई लाइक द प्लेस, दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड. मतलब सोचा भी नहीं था मैंने ये जगह आऊँगा. Okay, oh, I just hope no one is coming, no one. So it probably took me around 35 to 40 minutes to reach here. You don't have to worry about the route. You just need to take the same way and you'll see this check post. All data, it's written over here in a very big word. 0.3 kilometers from here. So I've reached the viewpoint and let's see how the place looks like from here. It's a little foggy, but then it looks good. I think that is a better place. There are a lot of homestays over here actually. Oh, you can camp as well. See over here, you can camp. There are homestays over there as well, and you can camp. I think this place looks good early in the morning for the sunrise, I guess, because people don't usually camp if there isn't a sunrise. And you can see over there, I don't know the name of that place, but I think that is Teesta Bazaar. And you can see the river over there. Okay, so there is a viewing point over there. I think that is better place. Let's go. I think the best part of this place is your bike actually reaches to the viewpoint. Because in most of the viewpoints you won't be able to take your bike. That is what I hate. Being a biker, being a motor vlogger, I think I prefer my bike to be not that far from the place I go. And also it's a BMW, so I don't wanna leave the bike alone. That's the thing. It's not just the brand, but then I never left the Royal Enfield and Whippillin as well. But you know, I don't want to do it. Okay, I've reached one of the viewpoint, and the place is a little dangerous. Look at this. If I fall, no vlogs. But
It's a decent place, man. Whoa, nice. Come on, man. Unexpected trip. Hey. Whoa. No, I'm not gonna sit there. I'm gonna sit over here and enjoy the view. There is the river. It's foggy, so it's not possible to see the far places, but utni foggy bhi nahi hai. You can see the mountains. So you come to a Nepalese place and you don't eat why? I don't think you read the whole thing, right? If you haven't eaten YY or momos at Nepalese place. So now I'm eating YY, and the price of the YY is, one plate is 40. I ordered 2 because obviously 1 is not going to be enough for me. Even 2 is not going to be enough, but I don't want to take this. I don't want to spoil my stomach. We'll have this with this view. Look at this. And then I'll go to another place, Orange Garden, and I'll see you guys over there. So turned out there weren't any orange, not any, but then there weren't as much oranges like the way I was expecting, so I didn't want to make any video over there. And also, I think this is it for today. I'll be going to other places if there isn't lockdown. Because lockdown hone wala hai, so I'll be going to some of the neighboring places from my home. And if you haven't subscribed, please subscribe to my channel. And I hope you guys are well. And what a great start! Like, I never planned on coming to this viewpoint, to this place, but I absolutely loved it. And also the homestay, if you want to book it, you can just come over here, but then they might charge you around 1100 per head. That is along with the breakfast and dinner. And also you can see Kanchanjunga from here, Sleeping Buddha, but then today it's a little foggy, so isliye dekh nahi paya. But then you get a very good sunrise from here. I think I'll definitely come here again, but then not to vlog, just to stay for a night to see the sunrise. So till then, see you guys in my next vlog. Bye bye. What the hell happened to this? अभी निकाल रहा है भैया, अभी निकाल रहा है। 8 बजे फोन करके आप लोग को बोला था, तभी आया था। आग लग गया पूरा, पूरा लग गया। नहीं, मैं ये इसको टच किया ना तो पूरा करंट मार रहा था। उसमें उसका वो सड़क गया ना, तो फाइव विकेट आया, फाइव विकेट नहीं पाया, तो पुल नया पुल आया, नया पुल लगा दिया। सुबह तो ठीक था, जब मैं बस थोड़ा धुआं निकल रहा था पूरा, जब तो हम लोग तब फोन किया ना, तो संग फोन मिलने के साथ साथ में आ गए, आकर देखा तो पूरा जल चुका था। मैं सुबह वो तो आई थिंक माई कॉल didn't even help it.
Maybe these guys came a little late. Obviously they will be late. They were not even picking up my call.